डेफिनेटली थैंक यू आशी थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर तो मैंने मैंने सुना बहुत सारे मुझे टेक्स्ट uh, uh, आने लगे लिंकडिन पे, इंस्टाग्राम में तो so, हम लोग ने सोचा वाई नॉट टू मेक दस वीडियो जो जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं यू नो वीज़ा प्रोसेसिंग का जो जैसा होता है तो क्यों ना हम लोग उसके बारे में बात करें आज तो so, इसलिए हमने और सबसे पहली चीज़ यू you नो know, रौनक तेरह साल से जर्मनी में ही है एंड ही he... ज गॉन थ्रू द सेम प्रोसेस द टाइम हीट इज द रीजन वट आई फील लाइक हीज द राइट आंसर ऑल दीज क्वेश्चन तो सबसे पहला मेरा सवाल रौनत यही है कि क्या प्रोसेस है वट आर द स्टेजेज टू अप्लाई फॉर वीजा एप्लीकेशन राइट इन जर्मनी डेफिनेटली सो हम इस वीडियो में एडमिशन के बारे में नहीं बात करेंगे बल्कि आ... प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग वीज़ा यू नो एक बार आपको एडमिशन मिल जाता है तो उसके बाद लो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमें हाउ टू प्रोसी प्रोसीड फर्दर विद दीज़ा प्रोसीजर सो हियर आई कैन डिस्प्ले टू डिफरेंट वेबसाइट जो दो तो, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस टू वेबसाइट दैट इज इंडिया डॉट डिप्लो डॉट डी ई और हम वीजा ग्लोबल डॉट कॉम सो यहाँ पे आप लोग को अपॉइंटमेंट uh, से लेके चेकलिस्ट से लेके आपको सारी इंफॉर्मेशन की जानकारी पता चल जाएगा तो uh, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती हूँ अबाउट दिस

अपॉइंटमेंट के सेक्शन में जाके आप पहली चीज जो करनी है आप बी एफ एस से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं बट बिफोर दैट आई डेफिनेटली यू नो डेफिनेटलीफिनेटली प्रेजर यू गाइज टू गो थ्रू दिस डिप्लो डॉट डी ई यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी uh, जैसे आप आप ब्लॉग अकाउंट से लेके मोटिवेशनल लेटर से लेके आपके रेज्यूमे से लेके uh, सारी जानकारी यहाँ पे आपको चेक लिस्ट फॉर्म से लेके डिक्लेरेशन फॉर्म से लेके सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी एक बार आप बिफोर अपॉइंटमेंट लेने से पहले आप यहाँ पे जरूर आ, चेक लिस्ट के बारे में जान ले और वीज़ा वी एफ एस ग्लो, ग्लो, ग्लोबल से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करें कैसे करें और कैसे प्रिपेयर हो और आ, कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हम हाँ, हमें हम आपको हेल्प भी कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने में और आपको प्रिपेयर भी करवा सकते हैं कि स्टूडेंट वीजा के लिए आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये सारी चीज आपको मिल जाएगी नीचे आप यहाँ पे फिल आउट करके हमको रीच आउट करेंगे तो हमको हम डेफिनेटली हम आपकी मदद कर तो सकते हैं इन शॉर्ट यू नो मैं आपको कहीं ना कहीं जो मैं समझ पा रही हूँ

चेकलिस्ट है राइट या द सम बुलेट आर द सम चेकलिस्ट That, that uh, that, that आपके पास form, yes. form होना चाहिए कहीं जॉब की कर रखी है वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं जाना चाह रहे हो mm -hmm. तो वो एक वैलिड प्रूफ yes. है की ये रीजन है मुझे इसलिए जर्मनी जाना लैंग्वेज सर्टिफिकेशन डिपेंड्स ऑन ये लैंग्वेज सर्टिफिकेशन ये लैंग्वेज लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जैसे बहुत सारे लोग जर्मन जर्मन और इंग्लिश में प्रेफर कर रहे हैं अपना मास्टर्स या अपना बैचलर्स तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन भी डिस्प्ले करना है इफ इट ऑल ओनली इट्स एग्जैक्टली अगर, optional, अगर, exactly, अगर आप जर्मन और बैचलर डिग्री सिर्फ uh, जर्मन uh, और इंग्लिश में कर रहे हैं तो और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है तो आपको डेफिनेटली जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट दिखेगा और उसके अलावा यू नो लेट्स से आइल्स का स्कोर कार्ड लगेगा राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन एकेडमिक करिकुलम योर 10 12th ग्रेजुएशन आप एम जस्ट बी कोर्स के लिए जा रहे हैं सीवी रिज्यूमे आपका लगेगा प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल नीड व्हाट इज दिस प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल नीड दे प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल नीड फॉर एग्जांपल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको uh, uh, पेड यूनिवर्सिटीज़ हो गई तो अब हाउ यू आर स्पॉन्सरिंग दिस एजुकेशन फ़ी सो इज इट सम सॉर्ट ऑफ लोन दैट यू आर यू और यू अप्लाइड और समथिंग लाइक दैट तो अगर आ, आप कोई स्पॉन्सर है फॉर द यूनिवर्सिटी फ़ी के लिए कोई जर्मनी में हो गया उसको फर्फ लिस्टिंग बोलते हैं तो कोई कोई ये डॉक्यूमेंट आपको भेज रहा है स्पॉन्सरशिप तो सो so सारी फिनानशियल प्रूफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी फर इसके लिए आपको एक बार फिर से चेक जो मैंने वेबसाइट आपको बताई थी एक बार आप फिर से वहां पे जाके देख सकते हैं वॉट आर द कंडीशन फॉर दीज फिनेशियल प्रूफ उसके बाद पासपोर्ट फोटो हेल्थ इंश्योरेंस लगेगा, राइट? वीजा प्रोसेसिंग फीस विच इज सेवेंटी आपको पता चल जाएगा देख लेना आप इसको आई में पे करना पड़ता है इंडियन रुपीस में आपको पे करना पड़ता है तो इट डिफर्स एक्सचेंज रेट के हिसाब से आपको यहां पे हिसाब से आपको इंडियन करेंसीज में पे करना पड़ता है ठीक है सो लेट से आपकी ये चिकलिस्ट रेडी है sure. आपने इस वेबसाइट पर जाके इफ आई एम नॉट रॉन्ग

आप चेकलिस्ट बाद में भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं बट उससे पहले बिफोर बिफोर थिंकिंग एनी थिंग यू शुड मेक श्योर दैट यू डेफिनेटली टेक एन अपॉइंटमेंट वी एफ एस एंड देन यू हैव लॉर्ड ऑफ टाइम तो आप पहले अपॉइंटमेंट ले ले फिर उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली exactly, आप पहले अपॉइंटमेंट ले ले उसके बाद आपको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा यहाँ पे अपॉइंटमेंट से पहले तो आप उसमें भी आप अप, अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं सो सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज मेक एन अपॉइंटमेंट

इज़ माय रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं बट आप ऐसे दिखाइए वीज़ा इंटरव्यू में जो यू नो आप हम पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे तो एग्जैक्टली uh, इस exactly, so आपकी प्रायोरिटी होगी वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन ट्रैवलिंग कल्चर ये सब लर्न करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं और आप सेटलमेंट होंगे वापस इंडिया आके तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें आप कभी ना बताएं कि आप वहाँ पर जाके सेटल होना चाहें ठीक है ज द बेसिक क्वेश्चन और जो डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं दोबारा देने पड़ते हैं जाता है या फिर नहीं, अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाए तो आपको email, email address कि दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा की आप इसका रिमेनिंग डॉक्यूमेंट भेज दो या वरना आप वी एफ एस में भी जाके सबमिट कर सकते हैं अगर इफ दे कॉल यू टू वी एफ एस विदर अपॉइंटमेंट ये भी हो सकता है एंड देन उसके बाद आपको फाइनली मेल आ जाता है कितने दिनों में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते सकते हो फोर टू सिक्स वीक्स के अंदर आपको एडमिशन या वरना आपकी अप्रूवल की ईमेल आ जाएगी और उसके बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वॉट नेक्स्ट ये बताया जाएगा एम्बेसी uh, okay. वाले hmm. तो आप उसके, उसके हिसाब से आप अपना आइटनरी या अपना इंश्योरेंस या अपना ब्लॉक अकाउंट या जो भी मनी ट्रांसफर है आपके अकाउंट में ये सारी फर्दर डिटेल्स और आपको हम और डिटेल भी बनाने वाले हैं कैसे आप yes. अकाउंट ओपन करा सकते हैं हेल्थ पे, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज अबाउटेशन दैट्सोड डो नॉटेट टू लाइक आई होप यू लाइक चैनल And do not forget to like share and